तो फ्रेंड्स आज मैं 42 साइज का बड़ाकाट ब्लाउज दिखाऊंगी। बहुत दिन से इसका रिक्वेस्ट था, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। और यहाँ पे जो टोटल फैब्रिक है 93 सेंटीमीटर ब्लाउज का फैब्रिक यहाँ पे है, एक अलग से ब्लाउज पीस खरीदा गया है। तो अगर आपको ये 42 साइज का ब्लाउज करना है, उस टाइप के साड़ी के साथ जो ब्लाउज पीस मिलता है उसमें आपको सिर्फ 80 सेंटीमीटर फैब्रिक कटिंग करने से बिल्कुल बराबर ब्लाउज हो जाएगा। यहाँ पे इतना एक पीस था, उसी हिसाब से मैंने पूरा यहाँ पे ले लिया। तो देखिए ब्लाउज का साइज कुछ भी हो, फुल बस्ट और अपर चेस्ट दोनों अलग अलग होता है, उसी हिसाब से हर एक साइज पे अलग अलग कटिंग होता है। मैं आप लोगों को धीरे धीरे जितना भी अलग अलग साइज है सभी साइज के लिए कटिंग और सिलाई दिखाने की कोशिश करूंगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, धीरे धीरे आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा अलग अलग साइज के लिए। तो 42 साइज के लिए पहले हमें बैक पार्ट काटना है, जिस तरीके से हमेशा कटिंग करती हूँ। यहाँ पे फेब्रिक को मैंने टू फोल्ड किया, यहाँ से ओपन साइड है और यहाँ से जॉइंट साइड है। सबसे पहले आपको ब्लाउज का लंबाई लेना है, तो यहाँ पे लंबाई में 16 रखूंगी। आपको अपनी हाइट के हिसाब से लंबाई लेना है, ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है। पहले लंबाई को बराबर मिला लेना है, यहां से हमें शोल्डर लेना है 5.5 इंच। तो जितना भी डीप नेक ब्लाउज है कटोरी का, उसका पहले मैं समझा दूंगी, उसके बाद जो बोट नेक में होता है वो धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आर्महोल देखिए मैं 6 इंच रखूंगी, यहां से भी लेना है 5.5 इंच। यहाँ पे और एक बात, अगर किसी के बॉडी के हिसाब से स्लीव्स का जो मुहर है बहुत ही कम है, तो उस टाइम पे आपको शोल्डर और भी 2 सूट ज्यादा लेना है। छाती का चौथा हिस्सा लेना है 10.5, फिर मैं यहाँ पे 2 इंच रखूंगी एक्स्ट्रा। आर्महोल की गुलाई देना है 1.25 इंच पे रखूंगी, 2 इंच से 2 सूत कम यहाँ पे गुलाई रखूंगी। टोटल जितना छाती हुआ है उससे 1/2 इंच कम लेना है कमर के लिए। इस तरीके से लेने से अलग से मेजरमेंट लेने का कोई भी जरूरी नहीं है। टक्स के लिए यहाँ पे लेना है 6 इंच पे, ऊपर की तरफ लेना है 6 इंच पे। नेक का चौड़ाई लेना है 2 इंच, इसे ज्यादा हमें नहीं लेना है। अगर बैक साइड पे डोरी होता है तो 2.5 इंच लीजिएगा। और डीप रखूंगी मैं यहाँ पे 11 इंच। अगर किसी को और भी छोटा चाहिए तो आप 10.5 इंच भी दे सकते हो। इस साइड पे रखूंगी 3.5 इंच। नेक का गुलाई हो गया है, तो बैक साइड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, अभी हमें काट कर लेना है। यहाँ पे और एक चीज रह गई है, हल्का सा आपको डाउन करके देना है, लगभग 1 सूत या 1.5 सूत। बैक पार्ट कटिंग करने के बाद हमेशा आपको स्लीव्स के लिए इस तरीके से मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे लगभग 10 इंच है, तो जितना मिला है उससे मैं 1 इंच ज्यादा रखूंगी। स्लीव्स की चौड़ाई पे तो मैं 11 इंच रखूंगी। स्लीव्स के लिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया। अभी सबसे पहले लंबाई लेना है 7 इंच, यहाँ पे लंबाई रखूंगी टोटल, आपको अपने हिसाब से लेना है। इस साइड पे मुहर रखूंगी, ये शोल्डर की तरफ रखूंगी। अब यहां से हमें 4 इंच डाउन करना है, इसको तिरछा करके इसके साथ मिलाना है। देखिए यहाँ पे 11 इतना है चौड़ाई, थोड़ा ज्यादा हुआ है यहाँ। यहां तक स्लीव्स का चौड़ाई लेना है 11 इंच तक। अभी यहां से 2.5 इंच अंदर की तरफ, यहां से अभी शेप देना है।
तो जिन लोगों को समझ में नहीं आता है यहाँ पे कितना दूरी पे शेप देना है, देखिए पहला जो निशाना है, ये निशाना देने के बाद हाफ इंच या हाफ इंच से एक सूत आप ज्यादा ले सकते हो। लेने के बाद इसके साथ शेप लगा लीजिएगा और मुहूरी के लिए तिरछा करके ऐसे रख देना है। फिटिंग करते वक्त आपको मेन शेप देना है। यहां से अभी फ्रंट के लिए शेप देना है। शेप देने के बाद हल्का काट लगा के रख देना है, बाद में कोई दिक्कत नहीं होता है सिलाई करते वक्त। यहाँ पे देखिए डिजाइन है, डिजाइन के लिए हमें सिंगल पार्ट करके काटना है। पहला पार्ट काटने के बाद दूसरा पार्ट काट लूंगी। अभी यहाँ पे पहले निशाना देना है, उसके पहले देखिए इस तरफ मैं एक्स्ट्रा 2 इंच रख दूंगी। यहाँ पे 2 इंच में एक्स्ट्रा रख दूंगी। अभी इसको यहाँ पे बराबर मिला लेना है। अभी इसको हटा लेना है। फैब्रिक का डिजाइन ही ऐसा है, समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। यहां तक देखिए बैक पार्ट था, लेकिन यहां से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए, क्योंकि डायरेक्ट फैब्रिक पे काटिंग होता है, जिसके कारण सिलाई के लिए आपको सिलाई मार्जिन के लिए मिनिमम आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसको पहले सीधा मिला लेना है। अभी जो निशाना है इसी हिसाब से हमें कटोरी काटना है। सबसे पहले हमें फ्रंट नेक डिप लेना है, यहाँ पे 7.5 इंच रख दूंगी। इसको सीधा नीचे की तरफ लेके आना है। नेक का चौड़ाई लेना है यहां से 2.5 इंच से आपको 3 इंच लेना है। अगर थोड़ा चौड़ाई में चाहिए तो 3 इंच लीजिएगा, बहुत छोटा चाहिए तो 2.5 इंच यहाँ पे ले लीजिएगा। जो आपका पसंद है आप उसी हिसाब से लीजिएगा। अभी हमें शेप देना है। इस तरह से भी दे सकते हो और भी फैला के आप दे सकते हो। यहाँ पे आपको अपने पसंद के हिसाब से देना है। अगर आप चाहते हो और भी गहराई से देना तो आप और भी गहराई से यहाँ से ऐसे दे सकते हो। तब क्या होता है, फ्रंट साइड में देखने में बिल्कुल राउंड होता है। फिर देखिए यहाँ से शोल्डर से और एक मेजरमेंट लेना है 6 इंच पे, यहाँ से लेना है 5.5 इंच पे। हाइट अगर किसी की 5 फुट 5 इंच 6 इंच है, उस टाइम पे 6 इंच पे लेना है। या चाहो तो शोल्डर से आपने हाइट के हिसाब से बास्ट पॉइंट मेजरमेंट करके भी ले सकते हो। ये कटोरी के लिए मैंने लिया। अभी यहां से देखिए कटोरी के लिए आपको मेजरमेंट लेना है। आप यहाँ पे 9 इंच भी दे सकते हो, 9.5 इंच भी दे सकते हो। जैसे 42 का चौथा हिस्सा क्या होता है, 4.2, यहाँ पर आता है 4.2। उसके बाद सेम आपको लेना है 4.2, जितना आता है उसके साथ। फुल बस नॉर्मल है तो आप हाफ इंच लीजिएगा, अगर नॉर्मल से ज्यादा है उस टाइम पे आपको 1 इंच रख देना है। तो इस तरीके से आपको कटोरी के लिए मेजरमेंट लेना है। आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, या चाहो तो डायरेक्ट भी जिस तरीके से मैं बोलती हूँ उसी तरह भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच पे रख दूंगी। अभी जितना मिला है उसको हमें हाफ कर लेना है। 1 इंच से मैं 3 छोट उठाऊंगी इस तरफ। इस तरफ भी हमें सेम उठा लेना है। यहाँ पे हल्का सा आपको दबा के देना है इस साइड पे। ये फैब्रिक ही ऐसे है, बहुत ही दिक्कत हो रहा है। जब मैं रॉन्ग साइड पे दिया था उस टाइम भी धागा से दिक्कत हो रहा था, अभी सीधी साइड पे लिए इससे भी हमें दिक्कत हो रहा है। अभी ये पार्ट और ये पार्ट मिलाना है। यहां से आप चाहो तो 5 इंच 5.5 इंच या 6 इंच आप कहीं से भी ये दे सकते हो। तो मैं यहां से 5.5 इंच पे रखूंगी।
अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है, और उसके पहले यहाँ से हल्का सा लगभग 3 सूत बाहर की तरफ लेना है, फिर इसको तिरछा करके ऐसे बाहर की तरफ मिला देना है। देखिए ऐसे हो गया है, यहाँ पे 4.5 इंच लेने से हो जाएगा, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। इस तरफ 1/2 इंच राउंड करना है, और इस तरफ हमें 1 इंच से 3 सूत जितना ऊपर की तरफ होगा सेम नीचे की तरफ लेके आना है। यहाँ पे 1.25 इंच लेना है ऊपर की तरफ, अब इसको भी तिरछा करके मिला लेना है। तो कटोरी का दोनों पार्ट तैयार हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे का जो पार्ट है इसका मिडल निकाल लेना है। निकालने के बाद यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ और एक निशाना देना है, फिर इसको ऐसे सीधा नहीं देना है, इसको इस तरीके से आपको तिरछा करके देना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी कंप्लीट हो गया है। अभी नीचे का बेल्ट, तो बेल्ट के लिए अगर किसी को दिक्कत होता है, समझ भी नहीं आता है कैसे काटना है, यहाँ पे जिस तरीके से शेप है बिल्कुल वैसे भी आप रख सकते हो। देखिए हल्का सा यहाँ पे उठा देना है, और यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा ऐसे डाउन करके देना है। तो यहाँ पे मिला लीजिएगा, हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट लेने के बाद इसका जो चौड़ाई है इसका चौड़ाई लेना है, इसकी चौड़ाई के हिसाब से होना है। फिर मैं यहाँ से 5 इंच रख दूंगी, ऐसे हो गया है। इस साइड पे हल्का तिरछा कर देना है कमर के लिए। देखिए मिडल पे लगभग 5 इंच से, और इस साइड पे लगभग 1.5 इंच से, और इस साइड पे 5 इंच से 2 सूत ज्यादा है। तो इतना लेने से बेल्ट के लिए हो जाएगा। यहाँ पे और शेप देने का कोई भी जरूरी नहीं है। जिनको समझ में नहीं आता है बेल्ट कटिंग करने के लिए, वो इस तरीके से डायरेक्ट थोड़ा सा शेप लगा लीजिएगा, आपका बेल्ट बराबर हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे लंबाई बराबर रखना है, कम नहीं होना है, और शेप कम ज्यादा होगा तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी दूसरा पार्ट भी हमें सेम तरीके से काट कर लेना है। साइड का पार्ट है, पहले मैं ये काट लेती हूँ। तो यहाँ पे कटिंग हो गया है। कटिंग करने के बाद भी देखिए इतना फैब्रिक मेरा एक्स्ट्रा रह गया है। इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से 42 साइज के ब्लाउज कटिंग करना है, डीप नेक का, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कहीं पे कोई भी दिक्कत होता है आप लोग जरूर मुझे कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।